Assalamu alaikum everyone, welcome back. If you're new here, my name is Mahvish. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share festive glam makeup look, and it's kind of a get ready makeup look as well. So if you want to know how I got this super easy makeup look, then please keep watching. But before jump into the video, please take a moment to like, subscribe and share. So without further delay, let's jump straight in the video. टी वी पार्लर कॉस्मेटिक्स 3-in-1 आई शेडो पैलेट मैंने ली है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ट्रांजिशन शेड, और ये मैंने लगाया है और साथ ही मैंने इसको जो है वो ब्लेंड कर लिया है। और जो मैंने शेड आज पे किया था ये मैट आई शेडो था, और ये कोरल शेड मैंने लिया है इस पैलेट में से, और इसको मैं यहाँ पे अब अप्लाई करने के बाद मैं इसको जो है क्लीन ब्रश की हेल्प से इसकी मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। उसके बाद मैं हाईलाइट करी हूँ इनर कॉर्नर्स अपने आईज के, एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे ब्रो बोन को हाईलाइट करी हूँ। ए पी के की यहाँ पे मैंने हाईलाइटर पैलेट जो है वो यूज़ की है, और मैट गोल्ड शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये वाला जो है गोल्डन शेड, ये वाला मैं अप्लाई करी हूँ, ये डल गोल्ड शेड है, और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी अपनी हाफ आई लिड पे। और ये इतने अच्छी पिगमेंटेड इनके मेटालिक आई शेडोज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन के फिंगर से अप्लाई करें या ब्रश की हेल्प से, दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैंने फ्लैट शेड ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया है, और मैं 3-4 कोट्स अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अब ये वाला पिस्टैशू शेड ले रही हूँ, ये भी मेटालिक आई शेडो है, और मैं इसको यहाँ पे दूसरी साइड पे इसको अप्लाई करी हूँ अपनी आईलिड की, और इसको जो है मैं एंड करूँगी इनर कॉर्नर्स तक। बट मैंने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, बल्कि अपनी पूरी आई को मैंने इसके साथ जो है वो कवर करना है, जो मेरा हाफ हिस्सा रिमेनिंग रह गया था उसके साथ। यहाँ पर मैं आई लाइनर अप्लाई करी हूँ, क्राइलॉन का पैनकेक आई लाइनर, और मुझे इसको लगा के ज़्यादा सुकून मिलता है अनलेस के मैं मार्कर आई लाइनर्स लगाऊँ। मुझे इसके साथ ज़्यादा सूट करता है कि मैं इसको अच्छे से एप्लीकेशन करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूं इस आईलाइनर के साथ। आप लोग जो भी आईलाइनर इजीली लगा सकते हैं उसको आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला जो है यूज़ करी हूँ आईलाइनर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है लगा लिया है मस्कारा, और बहुत सारे कोर्स मस्कारा के अप्लाई करने होते हैं ताकि अच्छी सी जब हम आईलैश एप्लीकेशन करें तो वो उसके साथ अच्छे से मैच हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आज मस्कारा यूज़ करी हूँ, ये वाला मस्कारा था जी एसेंस का। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करी हूँ गोल्डन शेड, और उसके बाद मैंने बाकी जो था एप्लीकेशन लैशेज की वो ऑफ कैमरा कर ली थी, फेस को क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके सामने कॉफ़ी सीरम अप्लाई किया है, एंड मैट मेकअप करी हूँ, सो इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है मैं लिंग का इंस्टेंट पोर इरेज प्राइमर। आपका जो भी फेवरेट प्राइमर है मैट लुक के लिए, जो भी आप अप्लाई करते हैं वो आप कर सकते हैं, बट दिस प्राइमर इज़ वेरी नाइस फॉर एवरी स्किन टाइप। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस पे, फॉरहेड पे, नेक पे इसको इवनली अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक को बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि नेक पर भी आपकी मेकअप एप्लीकेशन होती है, और नेक पर से आपका अक्सर मेकअप जो है वो रिमूव हो जाता है। सो अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करें। ये है जी कलर करेक्टर पैलेट, आपके सामने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने दिए हैं, और अगेन मैंने आपके सामने आज फिर इसको शेयर किया है। और यहाँ पे मैं दो कलर इसके लूँगी, एक इसका पीच करेक्टर है और एक इसका येलो करेक्टर है। इसको लेके मिक्स करके मैं अपने फेस पे अनइवन एरियाज़ पे, डार्क स्पॉट्स पे मैं इसको अप्लाई करी हूँ, और इसमें ग्रीन करेक्टर भी है। अगर आपके फेस पे कहीं रेडनेस है या कहीं पिंपल है या कहीं बम्प है और वो रेडनेस शो कर रहा है, वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल रेडनेस नहीं है, लेकिन विंटर्स आ गए हैं और मुझे रेडनेस अराउंड नोज़ माउथ होगी, तो मैं तब इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। लेकिन ये आपके लिए एक प्रो टिप थी कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन करें फाउंडेशन की, तो उससे पहले कलर करेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले ब्रश की हेल्प से इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की, बहुत सारी ब्लेंडिंग नहीं करनी है, 60-70% ब्लेंडिंग करके छोड़ देना है। उसके बाद रेयर ब्यूटी का ये वाला कंसीलर इन द शेड लाइट मैं यूज़ कर रही हूँ, डॉट डॉट लगाया है आपके सामने। और उसके बाद अब इसी सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत सारी ब्लेंडिंग अगेन नहीं करनी है, इसको भी 70% पे छोड़ देना है, बिकॉज इसकी मुकम्मल ब्लेंडिंग आपकी फाउंडेशन के स्टेप के साथ होगी। इसको मैं यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने पहले कलर करेक्टर लगाए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पे मैं ये वाली 2 फाउंडेशंस यूज़ कर रही हूँ, वन इज़ बीबी क्रीम है जो कि सिल्फोल की है, अनदर वन इसकी फुल कवरेज फाउंडेशन। और ये वाली जो इसकी फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये बिल्कुल सेम डर्माकोल
की फाउंडेशन जैसा ही इसका रिजल्ट है, सेम टू सेम है, बस इनकी ऊपर जो पैकेजिंग है उसमें नेम पे ऊपर फ़र्क है, बाकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है। फुल कवरेज फाउंडेशन है और लॉन्ग लास्टिंग है। इसको मैं यहाँ पे आपके सामने अपने हाफ फेस को आपके सामने ब्लेंड करूँगी और बाकी मैं ऑफ कैमरा इसकी ब्लेंडिंग एंड कंटूर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं BH कॉस्मेटिक्स की ये वाली पैलेट ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर्स, और ब्लशर्स जो है वो लिफ्टेड वे में मैं अप्लाई करूँ क्योंकि आजकल ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ ही कुछ चलना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है वो लिफ्टेड वे में इसको जो है वो अप्लाई करी हूँ। बहुत अच्छे पिगमेंटेड है तो थोड़े से ज़रा हाथ रोक कर अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद मैं फेस को कर लूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये न्यूली लॉन्च पैलेट है मिस रोज़ की, और ये 3-in-1 पैलेट है इस, और इसका हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत पिगमेंटेड हाइलाइटर है, और नो डाउट कि मिस रोज़ ने अपने हाइलाइटर में बहुत सारी जो है वो चेंजिंग्स की हैं, और इस बार जो इन्होंने हाइलाइटर निकाले हैं अपने लॉन्च किए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं, कहीं से भी चंकी नहीं है। कॉरल पीच फ्रॉम मेडोरा बुलेट लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत इसका शेड है। एंड हेयर इज़ माई कम्प्लीटेड लुक। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप। ऑल्सो माई ऑल सोशल लिंक्स आर राइट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू सून विद यू ब्रांड यू वीडियो। बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़।